वैदिक मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं वैदिक एलजेब्रा। वैदिक एलजेब्रा एक जैसे अपन बहुत सारी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, 2x plus 3 is equal to 3x plus 4, 2x plus 5 is equal to 4x plus 9, इसमें से x की वैल्यू निकालते हैं, 2x plus 3 upon 3x plus 2 is equal to 2x plus 1 upon 3x plus 2। तो इस तरह के इक्वेशंस को जब अपन सॉल्व करते हैं तो अपन को उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से x को सेपरेट करना पड़ता है, जो चीज प्लस में होती है उसको माइनस में भेजना पड़ता है, इन सारी चीजों से बिल्कुल हटके। देखिए वैदिक मैथमेटिक्स जो है वो एक्चुअल में क्या है, ये एक ऐसी मैथमेटिक्स है जो फॉर्मूलों पे डिपेंड करती है। तो उसी तरीके से वैदिक मैथमेटिक्स में कुछ फॉर्मूले इक्वेशंस को लेकर भी बनाए गए हैं, क्लियर है? तो उनके बारे में अपन आज के लेक्चर में सीखेंगे। वैसे मेरे हिसाब से अगर ये फॉर्मूले जैसे 7-8 फॉर्मूले हैं, अगर आपको याद हो जाते हैं तो आप बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशंस को बहुत शॉर्टली तरीके से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर? तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। जैसे कि वैदिक एलजेब्रा, अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं कि जितने भी फॉर्मूले आपको आज मैं सिखाने वाला हूं, अप्रोक्स 7-8 फॉर्मूले हैं, वो 7-8 फॉर्मूलों को आप कॉपी में एक जगह लिखें और उनको याद करें, और तब तक याद करें जब तक वो आपको परफेक्ट याद नहीं हो जाते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 जो है उसको सॉल्व करेंगे, और उसको सॉल्व करके पूरा आराम से देखेंगे कि हमारे आंसर सही है या नहीं है, क्लियर? और जो भी आपको डाउट आता है, जिस भी क्वेश्चन में डाउट आता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दें कि भाई इस सेक्शन में, इस क्वेश्चन में हमें डाउट आया 1.4 एक्सरसाइज में, तो मैं आपको वो वाली चीज जो है अगले अपने वीडियो लेक्चर के अंदर जब मैं आपको डिवीजन का लेक्चर बनाऊंगा उसमें मैं आपको वो चीज बता दूंगा, क्लियर? तो पहला अपना फॉर्मूला है, अच्छा फॉर्मूलों के नाम से अपन को कोई मतलब नहीं है, अगर आपको फॉर्मूलों के नाम देख रहे हैं तो आप बुक में देख लें, बाकी का किसी भी एग्जाम में आपको नाम नहीं पूछा जाएगा और किसी भी एग्जाम में आपको नाम से क्वेश्चन करने के लिए नहीं बोला जाएगा वैदिक एलजेब्रा में। बाकी का क्यूब रूट में, स्क्वायर रूट में जरूर पूछा जाएगा, बाकी का वैदिक एलजेब्रा के अंदर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि इसको इस फॉर्मूले से करो। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो परफेक्टली एक जितने फॉर्मूले होते हैं वो परफेक्टली फिक्स क्वेश्चंस के लिए होते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि एक क्वेश्चन जो है वो 2-3 फॉर्मूले से हो जाएगा, नहीं, एक क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले से होगा, इसलिए फॉर्मूलों के नाम याद करने की जरूरत है ही नहीं। अब जैसे स्क्वायर में तो क्या होता था, द्वंद्व से भी हो जाता है, अनुरूपिन से भी हो जाता है, एकाधिकिन से भी हो जाता है, तो उसमें तो परफेक्टली नाम देते हैं वो लोग कि भाई इस वाले मेथड से सॉल्व करिए। लेकिन वैदिक एलजेब्रा के अंदर ऐसा कोई भी सीन नहीं है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये नहीं आएगा कि आपको इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है, क्लियर है? तो अपन स्टार्ट करते हैं। अपना पहला फॉर्मूला है कि अगर ax plus b is equal to cx plus d हो, अगर आपको इस तरह का फॉर्मेट दिख जाता है, मैं आपको एक एक फॉर्मूले के साथ एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। अगर आपको दिख जाता है इफ ax plus b is equal to cx plus d, ठीक है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको दिख जाता है तो सीधा याद रखें कि जो x की वैल्यू होती है वो होती है d माइनस b अपॉन अपॉन a माइनस c, d माइनस b अपॉन a माइनस c। तो x की वैल्यू क्या होती है, d माइनस b अपॉन a माइनस c। हाँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात पता है क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट ये ही होना चाहिए, तब जाके आंसर आएगा। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, 3x plus 4 is equal to 2x minus 9, ये क्वेश्चन है 3x plus 4 is equal to 2x minus 9, तो क्या ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है? चलिए सर यहां तक तो समझ में आ रहा है, 3x plus 4 तो ये तो है ax plus b के अंदर, पर लेकिन ये नहीं है सर, तो उसको क्या करेंगे, 2x, ठीक है, यहां प्लस लगाएंगे और यहां लिखेंगे माइनस का 9, क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस का 9 लिखेंगे यहां पर। तो अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया cx plus d में हो गया। बोर्ड के एग्जाम्स में तो बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, अगर आपने ये स्टेप नहीं लिखी तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ax plus b cx plus d, तो यहां पर a कितना हो गया, a बराबर हो गया 3, b बराबर हो गया 4, सी बराबर हो गया 2 और डी बराबर हो गया माइनस का 9, क्लियर? तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बराबर क्या होता है, डी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, ठीक है, तो डी कितना, डी है माइनस का 9, बी कितना 4 और ए कितना 3, सी कितना
दो, तो माइनस का 9 और माइनस का 4, माइनस का 13 और 3 में 2 गया 1, तो आंसर माइनस का 13। तो इस तरीके से जो है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 13 यहां से आ जाएगी। अगर आप इसको डायरेक्टली मैथमेटिक्स के तरीके से सॉल्व करते हैं, जो अपन नॉर्मल मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, तो देखो अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, बाकी इतना करने की क्या जरूरत है सर, अब बोर्ड के एग्जाम्स में आएगा तो इतना करने की जरूरत है ना। अब जिसके कोर्स में है ये तो उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। 2x माइनस 9 तो 3x, ये 2x इधर आएगा माइनस 9 और ये 4 इधर जाएगा माइनस का 4, तो ये x और ये कितना है माइनस का 13। तो देखिए अपना आंसर कितना आया था, माइनस का 13 आया था। तो इस तरीके से अपन इस वाले फॉर्मेट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अपना सेकंड फॉर्मेट जो बुक में दिया हुआ है वो कौन सा है देखते हैं। सेकंड फॉर्मेट है अपना, सेकंड फॉर्मूला जो है अपना वो है आपका कि अगर इफ ए एक्स प्लस बी अपॉन पी इज इक्वल टू हो सी एक्स प्लस डी अपॉन क्यू, ये ए एक्स प्लस बी अपॉन पी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी अपॉन क्यू हो, देन अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकलेगी डी पी माइनस ए क्यू अपॉन डीपी माइनस बी क्यू, डीपी माइनस बी क्यू और ए क्यू माइनस सी पी। देखिए याद करने का बहुत आसान तरीका है, डीपी माइनस बी क्यू, देखो इधर से डीपी माइनस बी क्यू, फिर इधर से ए क्यू माइनस सी पी, क्लियर। क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन देखिए बुक में से ही ले लेते हैं अपने। क्वेश्चन क्वेश्चन है 5x माइनस 3 अपॉन 2 बराबर 2x प्लस 1 अपॉन 5, क्लियर। तो देखिए क्या करना है इसमें, सबसे पहले देखो फॉर्मेट में चेंज, ये 5x ठीक है चल जाएगा, लेकिन माइनस 3 नहीं चलेगा, यहां पर प्लस है तो यहां लगाएंगे माइनस का 3 अपॉन 2 बराबर 2x प्लस 1 अपॉन 5 चल जाएगा, क्लियर है। तो यहां से a कितना हो गया बच्चों, a हो गया 5, कंपेयर करो b बराबर कितना हो गया माइनस का 3, p बराबर कितना हो गया 2, क्लियर। यहां से c बराबर कितना हो गया 2 और d बराबर कितना हो गया 1 और q बराबर कितना हो गया 5, सारी चीजें हो गई, a निकल गया, b निकल गया, p निकल गया, c d q सब कुछ आ गया। x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी dp, तो d और p बहुत समझ के करना है, dp तो dp कितना 2 बन जा 2 माइनस bq, bq तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, लेकिन माइनस है तो माइनस का 15, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस अपॉन aq, aq 5 5 जा 25 माइनस cp, cp 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा आपका 17 और ये हो जाएगा आपका 21। तो इसका आंसर कितना आएगा 17 अपॉन 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपना फॉर्मूला है इफ एक्स, यहां पे इफ लगा देता हूं मैं, इफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी। तो ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स से बड़ा आसान हो जाएगा, ये बहुत आसान है। CD इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, CD फिर माइनस कर देना इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि CD माइनस AB अपॉन, क्लियर। फिर इधर से देखो A प्लस B और माइनस का C और माइनस का D, A प्लस B माइनस का C और माइनस का D, यानी कि क्या करना है आप चेक कर लो, आपको लगना है CD माइनस AB अपॉन A प्लस B माइनस C माइनस D। क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे बेस्ड अपन, एक देखिए क्वेश्चन आ गया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये तो देखिए a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है 4, c बराबर कितना है माइनस का 1, ध्यान रहे ना माइनस का 1 फॉर्मेट में रखना है, और d बराबर कितना है माइनस का 2, तो यहां से क्या हो जाएगा x बराबर cd, cd तो 2 बन जा 2,
माइनस का ए बी, फोर थ्री जा 12 अपॉन ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस सी, तो ये प्लस हो जाएगा और माइनस का डी, तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो टू में से बाहर आ गया तो कितना बचा, माइनस का 10। अब नीचे देखो, चार और तीन सात, सात और एक आठ और नौ दस, तो 10 में 10 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा आंसर, माइनस का 1। तो इस तरीके से अपन जो है वो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले पर बात करते हैं अपन। नेक्स्ट फॉर्मूला है अपना फोर्थ। फोर्थ फॉर्मूला है कि अगर इफ एम अपॉन एक्स प्लस ए प्लस एन अपॉन एक्स प्लस बी, देखो एम और एन अलग अलग है ना, और नीचे एक्स प्लस ए है और एक्स प्लस बी है, और अगर ये किसके बराबर है, जीरो के, देन जो x की वैल्यू होगी वो होगी एम बी, एम बी प्लस एन ए, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। पर ध्यान रखें थोड़ा सा यहां पे आपको माइनस और लगाना पड़ेगा, है ना। एम बी देखो बहुत आसान है, एम बी यहां पर ऐसे ले लो, एन ए प्लस एम बी कैसे भी ले लो, इसका उत्तर क्या करना है, एम बी एन ए और नीचे एम प्लस एन आ जाएगा। क्लियर। देखो इस क्वेश्चन का अब अपन लेते हैं, देखो इसका फॉर्मेट देखना। क्वेश्चन है 4 अपॉन एक्स प्लस टू, 4 अपॉन एक्स प्लस टू प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब नॉर्मल सी बात है, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो आपको पता क्या करना पड़ेगा, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको फिर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से या फिर फैक्टराइज करके सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे ना तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। देखो कैसे, m कितना है 4, n कितना है 3, a कितना है 2 और b कितना है 5, सब कुछ फॉर्मेट में है। x बराबर माइनस परमानेंट पहले लगा दो, m b, m का b से 5 4 20 प्लस n a, तो n a 3 2 6, और नीचे देखिए क्या आएगा, एम प्लस एन, तो 4 और 3 7, आंसर माइनस का 26/7। तो कितनी जल्दी आंसर आ गया, है ना। बाकी अगर अपन करते तो उसको और बहुत टाइम लग जाता। अच्छा देखिए, एक्सरसाइज 1.4 का एक क्वेश्चन है जो इसी से रिलेटेड है, मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो मैं आपको करवा देता हूं। क्वेश्चन है 5 upon 2x minus 1, ये है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8। फाइव अपॉन टू एक्स माइनस वन माइनस 9 upon 3x minus 2। मैं रियल बता रहा हूं कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मैं आपको वापस यहां पर लिख देता हूं फॉर्मेट क्या था, m अपॉन x प्लस a, पूरा ध्यान यहीं पे लगाना, n अपॉन x प्लस b बराबर 0। तो x बराबर होता था एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, और आगे माइनस और आएगा। इस फॉर्मेट को ध्यान रखा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन, देखना पूरा ध्यान यहां कॉन्सेंट्रेट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्या आपको इसके जैसा लग रहा है, हाँ सर थोड़ा थोड़ा लग रहा है, लेकिन सर फॉर्मेट में नहीं है, तो फॉर्मेट में बनाते हैं ना इसको। तो देखिए फॉर्मेट में कैसे बनेगा सर, 5 upon 2x minus 1, तो यहां पे ये तो m हो गया, तो 5 upon 2x, अब ये इसको तो प्लस करना है ना सर, प्लस तो करना है सर, लेकिन यहां तो सर x है और यहां तो 2x है, तो लफड़ा हो गया ये तो। तो क्या करना है, देखो दोबारा देखो क्या करना है, क्या करना है, सबसे पहले तो 2 दिक्कत कर रहा है ना, और इसमें 3 दिक्कत कर रहा है, क्योंकि होना क्या चाहिए, केवल x प्लस a होना चाहिए, 2x नहीं होना क्या चाहिए, केवल x प्लस होना चाहिए। तो क्या करना है आपको, इस 2 को हटाना, तो 2 का ऊपर नीचे डिवाइड दे दो भाई, 2 का आप ऊपर नीचे डिवाइड दोगे तो 2 हट जाएगा। तो देखो अगर 2 का आप नीचे डिवाइड दोगे तो 2 का ऊपर भी डिवाइड देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5/2, ठीक है, और ये हो जाएगा x, इसमें तो 2 का डिवाइड गया, लेकिन जब इसमें 2 का डिवाइड जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को आप, क्लियर। अच्छा ये प्लस भी हटाई दूं, अब बोलो समझ में आया, क्लियर है।
फाइव ऊपर ऊपर टू का डिवाइड दिया तो फाइव बाई टू हो गया, नीचे टू का डिवाइड दिया इसमें दिया तो टू हट गया, और प्लस लगा दिया माइनस इसमें दिया तो वन अपॉन टू हो गया। अब बोलो बना नहीं बना, एम अपॉन एक्स प्लस ए बना, ऐसे ही प्लस यहां प्लस लगाओ ठीक है। अब इसमें किसका डिवाइड देना है, थ्री का, प्लस लगा और ये माइनस भी इसके साथ भेज दो नाइन के साथ, तो माइनस का नाइन अपॉन थ्री क्लियर है, और नीचे थ्री का डिवाइड दिया तो ये एक्स हो जाएगा, और इसको प्लस कर दो और ये माइनस का टू अपॉन थ्री हो जाएगा इक्वल टू जीरो। समझ में आया नहीं है, मतलब आप ये देखो कि आपने क्या किया। अब है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट है और इसके जैसा ही क्वेश्चन नंबर फोर्टीन भी है, उसको भी आप करें, फोर्टीन क्वेश्चन भी सेम इसके जैसा ही है। मैंने इसमें टू देखो, यहां देखो एक्स के साथ क्या है, टू है, तो टू का ऊपर नीचे डिवाइड दे दो, माइनस माइनस वाली चीजों को हटा के वहां प्लस लगाओ ठीक है, और यहाँ पे थ्री है तो थ्री का डिवाइड दे दिया, तो देखो नाइन नाइन में थ्री का भाग देंगे तो माइनस का तीन ही हो जाएगा सीधा ना। अब बोलो क्या हुआ, अब एम कितना है, एम है फाइव अपॉन टू, एन है माइनस थ्री, ए है माइनस का वन अपॉन टू, और बी है माइनस का टू अपॉन थ्री क्लियर। तो अब आप ये देखो, आप कहां एम पांच ले रहे थे और कहां एम कितना है, फाइव अपॉन टू है, कहां एन नाइन था, कहां एन जो है वो थ्री आ गया ठीक है, और ए कहां वन था, ए कहां माइनस वन अपॉन टू आ गया, और बी कहां टू था, कहां टू अपॉन थ्री आ गया। तो चलिए करते हैं अपन, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है अपन को एम माइनस एम बी, तो एम और बी तो फाइव अलग से कर लेता हूं मैं, फाइव अपॉन टू का गुणा करना है किससे, टू अपॉन थ्री से, टू से टू कटेगा कितना आएगा फाइव अपॉन थ्री, लेकिन माइनस में आएगा, आप अलग से भी कर सकते हैं सॉल्व ठीक है। प्लस एन ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा थ्री अपॉन टू अपॉन एम प्लस एन, यानी कि फाइव अपॉन टू और माइनस का वन अपॉन टू ठीक है। तो यहां पर ये इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये जो आंसर आएगा इसका इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, फाइव अपॉन टू माइनस थ्री है, ये एम हो गया और ये आपका एन हो गया क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का वन अपॉन टू आएगा, ऊपर आएगा माइनस का वन अपॉन सिक्स, माइनस से माइनस कटेगा आंसर, आप खुद सोल्व कर ले इसको, इतना तो आप सोल्व करना जानते हैं, टेंथ क्लास में पढ़ रहे हैं अपन ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 भी आप सोल्व करें। चलिए मैं आपको नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ाता हूं, हाँ जी, तो नेक्स्ट फॉर्मूला आपकी बुक में दे रखा है। देखिए अब आपको जो फॉर्मूले दिए जाएंगे वो थोड़े से अलग है ठीक है, जितने मैंने आपको चार फॉर्मूले बताए हैं ये अलग फॉर्मूले हैं, और जो चार अब जो आएंगे वो नियम आएंगे, रूल्स आएंगे ठीक है। तो पहला जो है वो आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है, मैं तो फिफ्थ लिख रहा हूं, और वो क्या है सुनिएगा ध्यान से, इफ देयर इज अ कॉमन फैक्टर, इफ देयर इज कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स, एक्स या वाई जो भी है, फैक्टर ऑफ एक्स इन ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन, इन ईच टर्म टर्म ऑफ द इक्वेशन, देन अगर मान लो हर टर्म में एक्स है, जैसे थ्री एक्स प्लस टू एक्स बराबर फोर एक्स प्लस एक्स, और आपको क्वेश्चन आ गया कि भाई एक्स की वैल्यू निकालो, तो देखो इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो आंसर आएगा एक्स बराबर जीरो, आंसर क्या होगा एक्स बराबर जीरो खत्म। अब एग्जाम में आ जाता तो क्या करेंगे सर, एग्जाम में आ जाएगा तो पहले आपको क्या, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो क्या लिखेंगे, पहले तो ये रूल लिखेंगे है ना, तो इसमें मैं आपको कहूँ ये नियम आपको याद करना जरूरी है, फिर उसके बाद आपको आंसर लिखना है एक्स प्लस जीरो। और देखो एक क्वेश्चन, थ्री एक्स माइनस वन प्लस टू, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस वन प्लस थ्री एक्स माइनस वन, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें भी एक्स माइनस वन कॉमन है सब में, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा वन क्लियर है। तो ये आपका एक रूल है, इसको आप सॉल्व करें ठीक है। चलिए अगला सिक्स नंबर पे आते हैं अपन, रूल नंबर सिक्स है या फॉर्मूला नंबर सिक्स बोल सकते हैं आप, और वो क्या है देखिए,
वो है आपका कि इफ इन बोथ साइड्स, इफ इन बोथ साइड्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऑफ लीनियर इक्वेशन एन इंडिपेंडेंट टर्म एन इंडिपेंडेंट टर्म इज कॉमन, कॉमन देन एक्स इज इक्वल टू जीरो। अच्छा कैसे, कैसे देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन है 3x+4 और इधर आ गया मान लो 6x+4, तो इंडिपेंडेंट टर्म क्या है, चार है। इंडिपेंडेंट मतलब जो एक्स ना हो उसमें, कॉन्स्टेंट टर्म, ये इसमें भी चार है, इसमें भी चार है, तो बिना आंख खोले आंख बंद करके आंसर क्या लिख देना, एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? तो इस तरीके से अपन ये वाला रूल फॉलो करेंगे। क्लियर है? जैसे अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है एक छोटा सा, देखना इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन और समझना। क्वेश्चन है x+3 2x+5, ठीक है, +4 = 2x+6। अब इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर लेते हैं। देखो x की वैल्यू इससे करा तो ये हो जाएगा आपका 2x2, x का इससे करा, ठीक है, x का 2x+ ये हो जाएगा, तो देखिए आप ये प्लस है शायद बीच में, इसको सही कर लेना, क्वेश्चन को बुक में गलत दे रखा है ये शायद, हाँ प्लस है ये है x+3 और ये प्लस है बीच में, +2x+5+4। क्यों है प्लस बीच में? क्योंकि अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो फिर तो 2x² हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो लीनियर, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या, लीनियर का मतलब तो ये होता है कि x की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसलिए मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन गलत है, ठीक है, आप भी सीखें ये चीज। तो ये x, अब देखो x और 2x कितना होगा, 3x, और 5 और 3 8, 8 और 4 12। क्लियर? तो ये हो जाएगा 2x+2 6 12। क्या है, इंडिपेंडेंट टर्म कॉमन है, इंडिपेंडेंट टर्म कॉमन है, तो आंसर x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपना नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन अपनी क्या है, मैं लिख देता हूं, देखिए ध्यान से, वो है कि इफ न्यूमिरेटर, नेक्स्ट अपनी सेवेंथ है, इफ न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर्स ऑफ टू फ्रैक्शन इन एन इक्वेशन आर इक्वल, इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा रहा हूं उसमें ना, इक्वल देन, देन पुटिंग द सम डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल है जैसे एम अपॉन 2x+1 + m/2x+4 इज इक्वल टू जीरो, और इसमें आपको एक्स वैल्यू निकालनी है। तो देखो न्यूमिनेटर, ऊपर वाली चीज न्यूमिनेटर होती है, नीचे वाली चीज डिनोमिनेटर होती है, और आप देखिए न्यूमिनेटर जो है वो कैसा है, सेम है। देन पुटिंग द सम ऑफ डिनोमिनेटर, इन दोनों का सम करके, सम करो इनका, तो सम करेंगे तो क्या जाएगा, 2x+1 + 2x+4, और इसको बराबर रख दो जीरो के। क्यों करा है? क्योंकि डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमिनेटर के साथ सेम है। तो 2x और 2x, 4x, 4 और 1, 5 इज इक्वल टू जीरो, तो 4x इज इक्वल टू माइनस का 5, तो x इज इक्वल टू माइनस का 5/4, और इस तरीके से जो है x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर? तो इसका आप ध्यान रखें। क्लियर है? इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है
वो आपकी एक्सरसाइज में गिवन है। अगला अपना रूल है जो नेक्स्ट मीनिंग है अपनी, जो भी है सातवीं आठवीं आप देख लेना, ये है कि अगर मान लो दोनों साइड के न्यूमिरेटर्स का सम या दोनों और दोनों साइड्स के, जिसमें लिख देता हूं, इफ सम ऑफ द न्यूमिरेटर्स, नेक्स्ट अपना जो है इफ सम ऑफ न्यूमिरेटर्स ऑफ बोथ साइड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ दियर डिनोमिनेटर्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, और द बोथ सम्स आर प्रोपोर्शनल। तो देखिए कैसे एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन है 2x plus 3 upon 2x plus 5, 2x plus 3 upon 2x plus 5 is equal to 2x plus 5 upon 2x plus 3, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर क्या होगा, देखिए इसमें निकालना है आपको x। अब देखिए आप न्यूमिनेटर का सम करिए, 2x और 2x 4x और 5 ऑफ 3 8, कितना आ रहा है 4x plus 8, और नीचे वाला करिए तो 2x और 2x 4 है, 5 और 3 8, तो सम को 0 के बराबर रख दो। अगर ऐसा होता है तो पुट द सम इज इक्वल टू 0, तो 4x बराबर माइनस का 8, तो x बराबर माइनस का 8 अपॉन 4 यानी कि माइनस का 2। यार एक और देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन क्या है, 3x plus 4 अपॉन 6x plus 7 is equal to x plus 1 upon 2x plus 3। देखिए ये है, अब आप ऊपर का सम करिए, ऊपर कितना 3x और x 4x और 5 और 4 और 1 5, और नीचे वाले करिए 6 और 2 8x और 7 और 3 10। अब आप देखिए सम तो बराबर नहीं है, लेकिन आप देखो कि अगर आप इसमें 2 का गुणा कर दो तो ये आ जाएगा, भाई इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो 8x आ जाएगा, 2 का इसमें करोगे तो 10 आ जाएगा, मतलब कि प्रोपोर्शनल तो है ना, बराबर नहीं है, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कुछ चीज का मल्टीप्लाई करने पर वो चीज आ जाए, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने पर वो आ जाएगा, तो इनमें से आप किसी भी चीज को 0 के बराबर रख दो, तो 4x plus 5 is equal to 0, ठीक है, तो 4x is equal to minus का 5, तो x is equal to आ जाएगा minus का 5 upon 4, इसको भी रखेंगे तो अब सेम आपका आंसर आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट अपना है If the difference between numerator and denominator, अब difference की बात कर रहे हैं, एक ही fraction में ऊपर नीचे का difference निकाल लो, मतलब घटा लो, ठीक है ना, अगर वो दोनों तरफ का बराबर है या proportional है, तो उस difference को किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। पहला वाला नियम क्या था, इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों को जोड़ो, तो ऐसे याद रखो आप कि फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है, पहले मैं इनको जोड़ के देखूंगा और इसको जोड़ के देखूंगा, बराबर आता है तो उसको बराबर 0 कर दूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, इनका डिफरेंस निकालूंगा और इनका डिफरेंस निकालूंगा, बराबर आता है तो मैं 0 के बराबर रख दूंगा। तो पहला मेरा डाउट क्या है कि मैं पहले पहला वाला कर लेता हूं, पॉजिटिव जोड़ने वाला, तो देखिए 3x और x 4x और 4 और 8 ये हो जाएगा माइनस का 4, क्लियर, ओके। इसका कर लेते हैं 2x और 2x 4x और माइनस 5 और 1 माइनस का 4, तो बराबर आ गया, तो एक आंसर तो ये निकलेगा बराबर 0, क्लियर, तो 4x बराबर 4, तो x बराबर पहला आंसर तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्लियर है। अब दूसरा डिफरेंस वाला भी चेक कर लो, डिफरेंस वाले में क्या चेक करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है, 3x में से 2x गए तो x, 4 में से गए तो 3, क्लियर। इसका देख लो ऊपर में से नीचे घटाना है, अब आपने इधर से इधर घटाया तो समझ गए ना, x में से 2x गया तो माइनस का x, और यहां बचा आपके क्या माइनस का 8 और प्लस का 5, तो माइनस का 3, इसमें से माइनस 1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा x प्लस 3, तो बताओ बराबर तो नहीं है लेकिन प्रोपोर्शनल तो है ना, किसके प्रोपोर्शनल है, माइनस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये चीज आ जाएगी, तो अगला आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर माइनस का 3। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस का 3, एक तो पहली वाली प्रॉपर्टी से आया है और एक दूसरी वाली प्रॉपर्टी से आया है, और एक तरह के क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक में इस तरीके के दिए हुए हैं। देखिए इसमें क्या होता है, आपको एक दो तीन चार या चार से ज्यादा टर्म्स या चार से कम टर्म्स अगर दे दी जाती है बराबर में प्लस करके, तो देखिए और ऊपर सब में वन 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 हो, ठीक है ना, तो क्या करना है आपको, इन दोनों को एड करना है, इन दोनों को एड करेंगे तो आएगा 2x plus 16,
और इधर करेंगे ऐड करेंगे कितना आएगा 2x plus 16 बराबर है, तो दोनों को जीरो को बराबर रख देंगे, 2x बराबर माइनस का 16, x बराबर माइनस का 8। क्लियर, एक इस तरह के क्वेश्चन है। तो मैंने आपको सारे मेथड आपको मैंने समझा दिए हैं, क्लियर, जितने भी 8-10 मेथड जो अपन ने आपको समझाए हैं, आप उन सारे मेथड्स को क्लियरली याद करें। याद करने के बाद आप एक्सरसाइज 1.4 को पूरा सॉल्व करें, और मैंने आपको बताया है कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का लिखें कि एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर ये हमारा डाउट है। बाकी का अगर आप ढंग से करोगे, सारे वीडियो को पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से देखोगे, तो कोई डाउट मेरे हिसाब से आपको नहीं आएगा, ठीक है। और याद करें इनको और पढ़ाई पे ध्यान दें, पढ़ें, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो एग्जाम जो है वो तो पोस्टपोन होने से रहे ना, आपके जो नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, तो इसलिए अच्छे तरीके से ध्यान दें, पढ़ाई पे ध्यान दें। थैंक यू।